हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू कमाल की वीडियो। तो आज हमारे पास मीवी ने भेजा है मीवी की न्यू वॉच, जो कि बजट में आती है सिर्फ 1299 में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा बजट में आती है। तो इसको टेस्ट करने वाले हैं, एंड वॉचेस के साथ में अपना थोड़ा सा रिश्ता अलग ही रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को अभी से अभी लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में मुझे पता है कि आप भूल जाओगे। एंड इसे टेस्ट करने के लिए मेरे पास में ओरिजिनल वाली बीपी मेजरिंग की मशीन है, मतलब अभी पूरी तरीके से टेस्ट करने वाले, तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए। अभी बात करते हैं अनबॉक्सिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सही मिलता है आपको, मतलब बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्लीक सा है। ओपन करते आपको ऊपर में आपकी वॉच मिल जाएगी, उसके ऊपर में एक स्टिकर है, QR कोड उसे स्कैन करोगे तो आप ऐप डाउनलोड कर पाओगे। बाद में नीचे में मिलता है आपको यहाँ पर में कुछ यूज़र मैनुअल, इसका वेलकम कार्ड एंड एक वारंटी कार्ड, जो कि 1 ईयर की वारंटी आपको प्रोवाइड करता है। यूज़र मैनुअल भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब उसके अक्षर वगैरह काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर मैं आपको मिलती है चार्जिंग केबल, जो कि एक पोगो पिन है, जिसके थ्रू आप चार्ज करोगे अपनी वॉच को। अभी बात करते हैं वॉच के ओवरव्यू एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पर मैं आपको ऑल दो मेटल बॉडी मिलती है, मतलब बजट के अंदर में आपको मेटल मिलने वाला, जो कि काफी ज्यादा सही है। इसकी डिस्प्ले साइज है 1.69 इंचेस की। यहाँ पर मैं 500 nits के आपको ब्राइटनेस मिलते हैं, TFT पैनल मिलता है, ऑल्दो यहाँ पर मैं कोई AMOLED वगैरह नहीं मिलता है, जो कि मतलब बजट के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक लगा मुझे। साथ में आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, मतलब अगर आप इसे यूज़ करने वाले हो एंड आपको लगता है कि भाई अभी स्विमिंग करनी चाहिए, तो भाई इसे उतारने की कहीं पर रखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली भाई कूद जाओ पानी में। एंड यहाँ पर मैं जो स्ट्रैप मिलता है, स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है, मतलब ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपको आफ्टर मार्केट परचेस करने है, तो यहाँ पर मैं 22mm वाले स्ट्रैप्स लगने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब आफ्टर मार्केट में आप काफी सारे वैरायटी में, कलर्स में, आपको जैसे पसंद है वैसे ऑर्डर कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है कि 7 दिन का, बट भाई मैं ऐसा पर्सनली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से इसको यूज कर रहा हूं, तो लगभग आप 2 से 3 दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिलने वाला है। एंड यहां पर मैं डिपेंड करता है कि आपको नोटिफिकेशन कितनी आती है, मतलब आप जो मॉनिटरिंग वगैरह है वो कितनी ज्यादा करते हो। अगर आपका यूजेज काफी ज्यादा हैवी है, तो यहां पर मैं बैटरी बैकअप भी ऊपर नीचे हो सकता है। एंड भाई यहाँ पर मैं आपको 120 प्लस के स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जितने स्पोर्ट्स आपको मालूम भी नहीं ना भाई, ये इसके अंदर में है, जो कि आपने खेले भी नहीं होंगे। एंड यहाँ पर मैं 100 से ज़्यादा वॉच फेसेस मिलते हैं, जो कि आप इसके ऐप से डाउनलोड कर पाओगे। मतलब यहाँ पर मैं 4-5 तो ऑलरेडी मिल जाते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, तो आप इसके ऐप से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपका कस्टम फेस भी लगा सकते हो, जो कि मेरा फेवरेट है, ये जोकर वाला मैंने लगा दिया है। एंड पर्सनली मैं बात करूँ इसके UI की, तो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल UI है, ऐप का भी हो गया, एंड यहाँ पर मैं आपकी जो वॉच का है वो भी हो गया। ऊपर से नीचे स्वैप करोगे तो आपको कंट्रोल सेंटर मिलता है, यहाँ से सारी चीज़ें एकदम कंट्रोल कर सकते हो आप। एंड नीचे से ऊपर करोगे तो यहाँ पर मैं आपको मैसेजेस मिलते हैं, जो कि आपको आएंगे, मतलब यहाँ पर मैं खाली मैसेज व्यू होते हैं, यहाँ पर मैं कोई भी आप रिप्ले वगैरह नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी मतलब ठीक ठाक है बजट के हिसाब से। यहाँ पर मैं लेफ्ट से राइट करोगे तो यहाँ पर पूरा हेक्सागन या फिर लिस्टेड वाला या फिर ग्रिड व्यू मिलता है, मतलब ठीक ठाक काम करते हैं, टचेस वगैरह भी है ना भाई, सही तरीके से काम करते हैं। एंड यहाँ पर मैं अगर आप राइट स्वाइप करोगे तो राइट में यहाँ पर मैं आपको क्विक व्यू मिलता है राइट में, जो कि आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, आपको म्यूजिक प्ले पॉज करना है, काफी सारी चीजें यहाँ पर मैं आप कस्टम कर सकते हो। अभी बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा सही लगे। सबसे पहला भाई, म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हो आप डायरेक्टली वॉच से। मान लो आप जिम कर रहे हो और आपका फोन जेब में या फिर बैकपैक में रखा है, वहां पर में गाने वगैरह चल रहे, बट भाई इसे कंट्रोल कैसे करोगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, साथ में गाने को प्ले पॉज एंड आगे वाला ट्रैक, पीछे वाला ट्रैक, काफी सारी चीजें कर सकते हो, मतलब काफी ज्यादा सही लगा है मुझे ये फीचर। एंड साथ ही साथ यहां पर मैं एक और खास चीज मिल जाती है आपको, गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो। यहां पर मैं टोटल 4 गेम्स है, जो कि मतलब ठीक ठाक है यार, कौन खेल रहा है आज के जमाने में ऐसे गेम्स, कौन खेलता है यार, मतलब ठीक ठाक ही लगा मुझे। साथ में यहां पर एक और खास चीज है, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर मिलता है, जो कि एक्चुअल में वर्क भी करता है, मतलब छोटे छोटे कैलकुलेशंस है वो काफ़ी सही तरीके से करता है। एंड काफ़ी ज़्यादा ही अगर आप लंबा खींचोगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वॉच जो है वो शट डाउन होती है, तो ये मुझे लगा ठीक है, मतलब आप छोटे छोटे कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट सीधे चीटिंग में यूज़ मत करना। अभी भाई मेन सवाल आता है भाई, यहाँ पर मैं जो मेजरमेंट है या फिर जो स्पोर्ट के जो मेजरमेंट है, जो भी रिजल्ट आने वाले, या फिर इसमें SpO2 का सेंसर मिल जाता है, ब्लड प्रेशर हो गया, स्लीप मॉनिटरिंग, काफ़ी सारे
सारे ढेर सारे फीचर दे रखे, बट भाई मैं एक्चुअल में ये वर्क भी करते या फिर नहीं, इसका मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि भाई ये वर्क नहीं करते ठीक से। मैंने इसे टेबल पर भी रखे देखा, लाइक इस पे के बॉक्स पे भी अगर हम रखेंगे ये जो है मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देते, मतलब भाई आप पूरी तरीके से रिलाय मत हो इस पे रिजल्ट पे, मतलब जो भी रिजल्ट वगैरह आते। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है, या फिर ये जो पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ ना भाई, मेरी कोई पर्सनल हेट नहीं मीवी से, या फिर मैं खुद इनफैक्ट मीवी के काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज भी करता हूँ। इनफैक्ट भाई ये मेरे लिए रिव्यू यूनिट आया, फिर भी मैं ऐसी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं करनी चाहिए यार। मतलब काफी सारे इन्फ्लुएंसर है जो कि इन बारे में बात नहीं कर रहे, एंड यहाँ पर मैं जो रिजल्ट की जो एक्यूरेसी कहना चाहूंगा, जो स्टेप मीटर हो गया या फिर रनिंग मोड, जो भी आप स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर मैं मिल जाते, तो वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि भाई 80% यहाँ पर मैं आपको एक्यूरेसी मिल जाती है। मतलब उतना भी ज्यादा एक्यूरेट स्टेप वगैरह काउंट नहीं करता है, एंड ये जो आपका फोन है उसका लोकेशन भी काफी ज्यादा यूज करता है, जो कि मैंने नोटिस की बात। तो आई डोंट नो कि ये कैसे मेजर वगैरह कर रहा है, मतलब ये फोन के साथ में यूज करता है या फिर ये वॉच के अंदर में भी ऐसी कोई मैकेनिज्म है जो कि ये स्टेप वगैरह मेजर करे, ये थोड़ा सा डाउट लगा मुझे। तो इससे मैं टेस्ट करने वाला हूँ एंड इसके रिजल्ट देखने वाले हैं। ऑल्दो ये कोई सेंस नहीं बनता कि इन दोनों को कंपेयर करें हम, बट एक बार फिर भी आपको दिखाने के लिए कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर के ये जो इंटरफेस है ये आ चुका है, एंड इसने आई थिंक स्टार्ट भी किया है। हाँ स्टार्ट किया है इसने। ये जो नीचे रीडिंग दिखा रहा है भाई ये पिछली बार की, एंड अभी आ चुकी है भाई 119 एंड 74 ये आ चुकी है, ये ओरिजिनल वाला है। तो अभी मैं रिलैक्स होता हूँ एंड यहाँ पर मैं जस्ट इसे ऑन कर देना है। सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पर मैं ये ओरिजिनल रिजल्ट है जो कि भाई 101% एक्यूरेट है, क्योंकि भाई ये मशीन ही इसीलिए बना है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सके। एंड यहाँ पर मैं हमारा जो पिछले वाला जो रिजल्ट आया था वो 19 आया था, मतलब आप देख सकते हो भाई 80% एक्यूरेसी तो मिलती है आपको। एक आप कह सकते हो अगर आपको शो ऑफ वगैरह करने के लिए या फिर ऐसे टाइम वगैरह देखने के लिए, आपका खुद का फोटो वगैरह लगाने के लिए वॉच चाहिए, तो ठीक ठाक है 1299 के बजट में काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। बट भाई इससे ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको काफ़ी सारे मार्केट में ढेर सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, एंड इस बजट के हिसाब से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, मतलब कि आपको थोड़ी एक्यूरेट रीडिंग मिलने वाली। एंड अगर आपको इसे बाय करना है तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसे बाय भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा मैं भी कमा लूंगा, अभी पैसे की थोड़ी ज्यादा जरूरत है मुझे। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो आप फायदे में रहने वाले, तो यार फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर सकते हो। मिलता हूं मैं ऐसी धमाकेदार नेक्स्ट ऑनेस्ट वाली वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर। Bye-bye.